असलम एवरी एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ सो so, जनाब आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सबको याद हो तो 4 दिसंबर 2023 को यूके की गवर्नमेंट ने फाइव पॉइंट इमिग्रेशन प्लान इंट्रोड्यूस करवाया था और उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी आप चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपकी आसानी के लिए एड कर दूंगी बट एनी वे जब से यूके ने यह नया फाइव पॉइंट प्लान इंट्रोड्यूस करवाया है तब से यूके के अंदर भी और यूके से बाहर भी जो लोग भी यूके से रिलेटेड हैं सामा उनकी जिंदगी में एक हलचल सी आ गई है। क्योंकि यूके की गवर्नमेंट ने नए रूल्स अनाउंस कर दिए थे लेकिन उन्होंने बताऊंगी तो आपको लेकिन इससे रिलेटेड जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी आपने इस को पूरा देखना बिकॉज दिस इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉग और अगर, अगर आपको अच्छा लगता है तो आपने लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना अपना फीडबैक मुझे जरूर देना है और मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे थैंक यू सो मच सो नाउ बैक टू टॉपिक अगेन ऑन फोर्थ दिसंबर ट्वेंटी को यूके ने फाइव पॉइंट इमिग्रेशन प्लान इंट्रोड्यूस करवाया था जिसका मकसद था के अंदर नेट माइग्रेशन को कम करना आपको मैं इसका क्विक ओवरव्यू दे देती दूँ कि फाइव पॉइंट्स एक्चुअली थे क्या फाइव पॉइंट्स का पहला पॉइंट ये था कि जो सोशल केयर वर्कर हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो अपने डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते मतलब अपने पार्टनर्स को और अपने बच्चों को यूके नहीं ला सकते अब इन वीज़ा कैटेगरीज के ऊपर यहाँ पे किसी और वीज़ा कैटेगरी की बात नहीं होती जस्ट हेल्थ केयर वर्कर एंड सोशल केयर वर्कर्स अब बात करते हैं अपने सेकेंड रूल की इसके अंदर इन्होंने जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा वालों की सैलरी का त्रेशुल्ड था उसको इंक्रीज किया है जो करंट है वो है ट्वेंटी और जो अब होगा फ्यूचर में वो होगा थर्टी

इसको इंक्रीज करके 29,000 पाउंड पर ईयर कर दिया है बट इट विल बी अल्टीमेटली इंक्रीज अप टू 38,700 पाउंड और जो लास्ट रूल है ये आप कह सकते हैं फाइव पॉइंट इमिग्रेशन पॉलिसी का लास्ट पॉइंट है वो ये है कि गवर्नमेंट ने मैक को कहा था मैक इज माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी कि आप ग्रेजुएशन वीजे को रिव्यू करें कि आइदर इसको कंटिन्यू रखें या फिर इसको खत्म कर दें टोटली एंड बाई द वे ग्रेजुएशन वीजा इज पी एसडब्ल्यू है जनाब ये तो थे वो फाइव इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट रूल्स यूके की गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे बट इंप्लीमेंटेशन डेट नहीं बताई थी कि सब कब इंप्लीमेंट होंगे पर 30 जनवरी सन दो को उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन डेट्स भी सबकी बता दी हैं। सबसे पहले बात करते हैं केयर होम वर्कर वीजा वालों की एंड सोशल केयर वर्कर वीजा वालों की आफ्टर इलेवेंथ मार्च 2024 आप अपनी फैमिली मेंबर्स को यूके नहीं ला सकते इसका मतलब है कि जो न्यू एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वो अपनी फैमिली मेंबर्स को नहीं ला सकेंगे अगर आप यूके में ऑलरेडी मौजूद है केयर होम वर्कर वीजा पे हैं तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स को आफ्टर इलेवंथ मार्च ट्वेंटी भी बुला सकते हैं एंड अगेन यहाँ पे सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर वीजा वालों की और सोशल केयर वर्कर वीजा वालों की बात हो रही है

एंड अगेन ये रूल सिर्फ उन पे अप्लाई होते हैं जिन्होंने न्यू सबमिट करानी है। अगर आप इस वक्त यूके में स्किल वर्कर वीजे पे मौजूद हैं और आपने अपना वीजा रिन्यू करवाना है या एक्सटेंड कराना है तो आप पे ये रूल अप्लाई नहीं होता तो यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि स्किल्ड वर्कर वीजे वाले अपनी फैमिली को ला सकते हैं इनके ऊपर किसी किस्म का कोई बैन नहीं है नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के ऊपर काम कर रही है जो की जल्दी पब्लिश हो जाएगी इसका मतलब है कि अब इस लिस्ट के अंदर वही जॉब्स आएंगी जिनकी वाकई ही यूके में शॉर्टेज है जिनकी यूके में डिमांड है और जो यूके की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है सो मोस्ट लाइकली जो अब न्यू ऑक्यूपेशन लिस्ट आएगी उसके अंदर जॉब्स लाइक शेफ की जॉब हो गई कारपेंटर हो गई प्लम्बर हो गए वर्कर्स हो गए ये जॉब्स उसका पार्ट नहीं होंगी सो प्लीज अगर आप किसी से इस तरह के वीजे ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिएगा बिकॉज आफ्टर फोर्थ अप्रैल ट्वेंटी आपके चांसेस यहाँ पे नील हो जाएंगे मतलब अगर ये जॉब्स शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट का पार्ट नहीं हुई तो आपके सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे अगर आप इस तरह का वीजा किसी से ले रहे तो फोर्थ अप्रैल 2024 से पहले यूके आए अच्छा अब बात करते हैं स्पाउस वीजा से रिलेटेड या पार्टनर वीजा से रिलेटेड अच्छा यहाँ पे मैं एक बात पहले आपको क्लियर कर देखिए अगर आप यूके में डिपेंडेंट वीजा पे आ रहे हैं या स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा पे आ रहे हैं आप केयर वर्कर डिपेंडेंट वीजा पे आ रहे हैं सो so, आप जिस डिपेंडेंट वीजा पे आ रहे हैं आप स्पाउस वीजा पे नहीं आ रहे ना ही आप स्पाउस डिपेंडेंट वीजा पे आ रहे हैं क्योंकि इसका मतलब होता है कि आपका जो स्पाउस है उसके पास या तो ब्रिटिश नेशनलिटी है या फिर उसके पास आई तो इस न्यू रूल से सिर्फ वही लोग इंपैक्ट होंगे जो ब्रिटिश नेशनल हैं या फिर इनके पास आईएलआर है और वो अपने स्पाउस को या पार्टनर को अब्रॉड से बुलाना चाहते हैं जनाब गवर्नमेंट ने कहा है so, की फ्रॉम इलेवंथ अप्रैल ट्वेंटी से मिनिमम सैलरी इंक्रीज होगी ट्वेंटी पाउंड उसके बाद ये इंक्रीज होगी अप टू थर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड पाउंड बट अभी ये अनाउंस नहीं किया है कि थर्टी फोर था कब से इम्प्लीमेंट होगी सैलरी बट ये जरूर कहा है कि ये टू फोर में ही इम्प्लीमेंट होगी बट इवेंचुअली जो अल्टीमेट सैलरी होगी वो होगी थर्टीड सेवन हंड्रेड पाउंड ये इंप्लीमेंट होगी समर इन अर्ली ट्वेंटी ट्वेंटी बट अगेन ये रूल उन उनपे अप्लाई नहीं होता जो इस वक्त यूके में मौजूद है स्पॉस वीजे के ऊपर अगर वो अपना वीजा एक्सटेंड कराना चाहते हैं रिन्यू करवाना चाहते हैं तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है ये रूल सिर्फ फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स पे अप्लाई होगा जो अपने स्पाउस को इलेवेंथ अप्रैल 2024 या फिर उसके बाद बुलाते हैं बट अगर कोई अपने स्पाउस के एप्लीकेशन टेंथ अप्रैल 2024 को भी डालता है तो उसके ऊपर पुराना रूल अप्लाई होगा जहां पे आपने एटीन पाउंड अपनी इनकम शो करनी है अब बात करते हैं लास्ट अपडेट की विच इज रिलेटेड टू पी एस गवर्नमेंट ने मैक को कहा था की भाई आप ना पी एच डब्ल्यू को रिव्यू करें दोबारा से ग्रेजुएशन वीजे को रिव्यू करें आप बताएं हम इसको कंटिन्यू करें या फिर इसको स्टॉप कर दें बिकॉज इससे भी नेट माइग्रेशन नंबर पर बड़ा फर्क पड़ेगा हर साल यूके में बहुत बच्चा पढ़ने आता है और यहाँ पे वो पी एच डब्ल्यू लेता है क्योंकि इन जस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू गवर्नमेंट ने मोर देन सेवेंटी थाउजेंड प्लस पी एच डब्ल्यू वीज़े अप्रूव किए हैं यूके के अंदर और गवर्नमेंट को डर है कि वक्त के साथ साथ ये नंबर इंक्रीज ही होगा डिक्रीज नहीं होने वाला पी एच डब्ल्यू लेने का सो इसीलिए गवर्नमेंट ने मैक को कहा था कि आप इस वीजे को एक दफ़ा दोबारा रिव्यू करें और हमें रिपोर्ट पेश करें और मैक ने जनवरी 2024 के अंदर इसके ऊपर काम करना था बट स्टिल रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई कोई डेट अब तक बताई नहीं गई बट चांसेस आर देयर कि वो 2024 के एंड में या फिर अर्ली 25 में कुछ ना कुछ अनाउंस जरूर करेंगे सो so, अगर आप इस वक्त भी यूके आने का प्लान करें स्टडी के लिए मई के इनटेक में या सितंबर के इनटेक में तो आप आराम से आ सकते हैं आप पीएसडब्ल्यू के लिए एलिजिबल होंगे लेकिन जो बच्चे जनवरी 2025 के इनटेक में आ रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनको पीएसडब्ल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा क्योंकि यूके के अंदर सालों के हिसाब से महीनों के हिसाब से चेंजेस नहीं आ रहे बल्कि दिनों के हिसाब से न्यू रूल्स आ भी रहे हैं और इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं so, सो जनाब ये थी तमाम इंपॉर्टेंट डेट्स और इससे रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है और आपको मैं एक और बात यहाँ बताती चलूँ देखिए अगर यूके की गवर्नमेंट कह रही है ना कि केयर वर्कर्स के डिपेंडेंट बैन हो जाएंगे इलेवंथ मार्च से या फिर वो कह रही है स्किल्ड वर्कर की सैलरी जो इंक्रीज होगी वो होगी ऑन फोर्थ अप्रैल 2024 इसका मतलब है कि ऑन इलेवंथ मार्च 2024 अगर आप अपने डिपेंडेंट्स की सबमिट करते हैं तो यू विल गेट रिफ्यूजल अगर आप टेंटी मार्च 2024 को करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी इलेवंथ मार्च से रूल स्टार्ट हो चुका है सिमिलरली स्किल्ड वर्कर वीजा वालों की जो सैलरी वो इंक्रीज हो जाएगी फोर्थ अप्रैल अप्रैल से इसका मतलब है अगर आप फोर्थ अप्रैल को अपलिकेशन सबमिट करते हैं कम सैलरी के साथ तो आपको रिफ्यूजल मिलेगा अगर आप थर्ड अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का अप्लाई करते हैं तो आप पे वही ट्वेंटी टू हंड्रेड का ब्रैकेट अप्लाई होगा सो प्लीज डेट्स का बहुत ख्याल रखिएगा जो मैंने आपको डेट्स बताई है इसका मतलब है कि इस डेट से न्यू रूल अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है बाकी जनाब इसी नोट के ऊपर आज का ब्लॉग एंड करते हैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग इफॉर्मेटव लगा हो होगा आपके लिए यूज़फुल रहा होगा अगर आपको अच्छा लगता है तो आपने लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना अपना फीडबैक मुझे देना इन शाला नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुझे दो में याद रखिएगा टेक केयर बाय बाय अल्लाह हाफिज़